नौ वर्ष के अवसर पर शहीद अशफाकउल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में घूमने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से ही जब से प्राणी उद्यान केंद्र का टिकट काउंटर खुला था तब से हजारों की संख्या में जनपद सहित प्रदेश के अन्य जिलों से आए पर्यटकों ने टिकट की लाइन लगकर टिकट खरीदा। उसके बाद पक्षी, हिरन, बंदर, भालू, लोमड़, शेर, चीता, भालू, बाघ, मगरमच्छ, सर्प घर, मछली घर में पहुंचकर उनका बारीकी से दीदार किया। नागरिकों ने बाड़े के नज़दीक पहुंचकर उनके साथ सेल्फी ली। इसके अलावा प्राणी उद्यान में जानवरों के बने मूर्तियों पर बैठकर फोटो खिंचवाया। नागरिकों ने कहा कि इसके पहले हम लोगों को प्राणी उद्यान घूमने के लिए लखनऊ या देश के अन्य राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वो सारे जानवर हम लोगों को गोरखपुर के प्राणी उद्यान में देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कारण ही संभव हो पाया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राणी उद्यान घूमने आए नागरिकों और बच्चों व निदेशक डी राजमोहन ने कहा। उधर ही पापा, इधर देखिए, यहाँ से पीछे से चलो तो चलना है यार, तुम कहाँ हो?
आदित्य कपूर जो जो चला गया। कि मैं भी उसके पास जाऊं। आवा बाबू चलो इन कुंडो क्या करे 50 रुपए दियो ल अरे ओ दिन जा विजेंद्र प्रताप सिंह हम आए हैं पीपराइज के पास से। क्या कर रहे हैं? क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? वही सारे जानवर जो है, शेर वगैरह, भालू, शेर, बंदर, ये पक्षी वगैरह बहुत सारे थे, वही देखा गया। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा, एकदम एक नंबर। कहना चाहेंगे यहाँ के? अब कहना क्या है कि मतलब हमारे पूजनीय योगी जी जो है बहुत बढ़िया काम किए हैं कि कम से कम बच्चों के मनोरंजन के लिए जो है एक बढ़िया साधन है। सलोनी गुप्ता, हाय। यहाँ पर हम लोग दरियाई घोड़ा, शेर और हैना और सांप, तितली, बहुत सारे चीज देखे हैं। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत 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 मजा आ रहा है यहाँ पे। जाना चाहेंगे यहाँ के बारे में? हाँ, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा है, और जो यहाँ पे जो एनिमल्स रखे गए हैं उनके लिए जो भी कुछ बनाया गया वो बहुत ही अच्छा है।
हमने बहुत कुछ देखा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से भी बहुत कुछ देखे, चिड़िया उड़िया, और वहाँ पे हमने हर एक प्रकार के जीव जंतु, जैसे कि हमने क्रोकोडाइल हो गया, लायन हो गया, लायन के भी कई, जैसे बंगाल टाइगर हो गए, और उधर जाके हमने मतलब बहुत अनेक अनेक प्रकार की चिड़िया को देखा। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पर आके। हाँ, यहाँ पर मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। मेरा नाम है आदित्य राज मदेसिया। अच्छा लगा हमको यहाँ पर घूमकर। क्या क्या देखा आपने? हमने यहाँ पर शेर देखा, सियार देखा, और भी अन्य जीव हैं, जो बहुत अच्छा लगा घूमकर। और न्यू ईयर पर हम लोग आए यहाँ पर, घूमे, मस्ती किए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और यहाँ का वातावरण कैसा है? यहाँ का वातावरण तो बहुत परफेक्ट है, और अच्छा भी लग रहा है। यहाँ इतना जनता आ रही है, और वो भी देखकर हमको बहुत अच्छा लगा। मंटू गुप्ता सर, यहाँ पे अच्छे अच्छे जानवर जो कि हम लोग सुनते हैं बट देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ फिजिकली देखने को मिला है, बहुत अच्छा लगा। और आज का दिन भी मतलब उस हिसाब से होता कि ताकि अच्छा भी लगता है, फैमिली के साथ आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुल मिला के यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है। पहली बार आए? नहीं, दूसरी, सेकंड बार है। संगीता यादव द्वारा ज़्यादा जानकारी नहीं है। हिप्पोपोटामस देखा, टाइगर देखा, लायन देखा, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा है, पहली बार आए, अच्छा लग रहा है। उर्विका क्या देखा आप लोगों ने? बहुत सारी चीजें देखी। क्या क्या? कौन कौन से एनिमल देखा? कौन कौन से जानवर को देखा गया? क्रोकोडाइल, डक, पैरट, हिप्पोपोटामस। पहली बार कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा, अच्छा, अनमोल। यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या क्या देखा? नवर्स पे यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। मगरमच्छ और शेर, टाइगर, और नहीं देखा हूँ। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। पहली बार यहाँ पे आए? हाँ, नहीं, दूसरा बार। कैसा लगा यहाँ का एटमॉस्फेयर, वातावरण? अच्छा लगा। दोबारा आना है? हाँ, घूमने। हाँ, प्रगति मिश्रा। चिड़ियाघर घूमने आई है, क्या क्या देखा आपने? लायन, स्नेक, चिंपैंजी और टाइगर। और कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा लगा। इससे पहले भी आई है कभी? हाँ। कब आई? हम अगले बार आए थे 25 दिसंबर को। कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा। ये नव वर्ष में शायद आसिफुल्ला खान प्राणी उद्यान में हम लोग विशेष व्यवस्थाएं किया गया है। इसमें आज लगभग 20 से 25,000 के बीच में भीड़ का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमारा स्टाफ और DFO गोरखपुर का स्टाफ और नागरिक सुरक्षा वालों, पुलिस के सहयोग से पूरा व्यवस्था बना रखा है, और पार्किंग का भी अस्थाई पार्किंग बना रखा है, और इन लोगों को देखने में भी पूरा व्यवस्था कर रखा है। कोई कहीं रुकेगा नहीं, हमारा 2 कैंटीन पूरा चल रहा है। अभी तक का व्यवस्था बढ़िया बना हुआ है, लगभग 10,000 लोग क्रॉस कर चुका है। सुरक्षा इसीलिए इसमें 2-3 टीम लगा, 5 टीम लगा हुआ है। इसमें हमारा टीम है, DFO का गोरखपुर का टीम है, नागरिक सुरक्षा वाला है, पुलिस है, और कुछ SSB जवान का भी हम लोग बुला रखा है। इससे 5 टीम लगा हुआ है, और सब चेकिंग और सब करा करके पूरा शांति व्यवस्था बनाते हुए आज बढ़िया उसको करा देंगे।